हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को लेट्स लर्न स्मार्टली यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन को जीरो बेसिक लेवल से समझेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे इजीली कर पाएंगे वो सब देखेंगे। पहले देखते हैं रेशियो का मतलब होता क्या है। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, और हम कंपैरिजन कहाँ करते हैं, जैसे कि करते हैं राम श्याम से ज़्यादा मोटा है या तो फिर राम श्याम से पतला है, हम ऐसे जगह पे कंपैरिजन करते हैं हम, या तो फिर ए बी से ज़्यादा अमीर है या बी गरीब है ऐसे। लेकिन राम मोटा है और श्याम कम मोटा है मोटा है, मतलब कि हम कहाँ किस चीज़ का कंपेयर कर रहे हैं, यहीं पर मोटापे का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि ए बी से ज़्यादा तेज भागता है, किस चीज़ का हम कर रहे हैं यहाँ कंपैरिजन, स्पीड का। लेकिन हम कभी कंपैरिजन नहीं करते कि राम मोटा है लेकिन श्याम अमीर है, हम ऐसे कभी कंपैरिजन नहीं करते। वो कंपैरिजन का भी कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वहाँ अलग अलग यूनिट्स आ रहे हैं। तो कंपैरिजन मतलब कि रेशियो हर वक्त समान श्रेणी के चीज का किया जाता है। जैसे कि राम श्याम का स्पीड हो गया, राम 20 किलोमीटर स्पीड जाता है तो श्याम 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे जा सकता है। मतलब कि यहाँ जो कुछ भी कंपेयर होगा वो समान श्रेणी के होने चाहिए, या तो फिर सेम यूनिट के, जैसे टाइम स्पीड, हाइट। हाँ, तो फिर जहाँ भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे वहाँ क्या होगा, हम लोगों का सेम यूनिट होने चाहिए। समझ में आया? तो देखते हैं, फिर आते हैं हम प्रोपोर्शन की तरफ। प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो सेम रेशियो को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि ए इज टू बी इक्वल्स टू 2/5 एंड सी इज टू डी इक्वल्स टू 20/50। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, वही 2/5 निकलेगा। मतलब कि क्या, दो रेशियो अगर सेम है तो हम उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि 2:5 प्रोपोर्शन 2:5, 20:50, ये क्या है, ये प्रोपोर्शन में है। दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में, मतलब कि दोनों रेशियो अगर सेम होंगे तो हम उसको प्रोपोर्शन कह सकते हैं। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है a:b = 5:7 एंड b:c = 6:11। तो हमें मांगा है a:b:c कितना होगा। इसको हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, a:b = 5:7 एंड ऐसे लिखने से आसानी होगा c = 6:11। सो हमको सिंपली क्या करना है, हमको इन दोनों को इसमें 6 × 6 करना है और इसमें × 7 करना है। ऐसे क्या होगा, दोनों ही रेशियो सेम हो जाएंगे। तो कितना होगा, 5 × 6 = 30 × 6 = 42 × 11 = 77। तो हम आसानी से ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये हो गया डिफरेंट। बी का यहाँ कॉमन क्या था, बी कॉमन था, मतलब कि क्या, बी दोनों में ही है, a:b में भी है और b:c में भी है। तो हम सिंपली अभी क्या करेंगे, और एक ठो लेंगे a:b = 3:4 एंड b:c = 8:9। हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, b का वैल्यू दोनों में डिफरेंट है। अगर सेम होते तो कुछ नहीं, हम डायरेक्टली a:b:c लिख सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों में वैल्यू अलग अलग। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ जो 4 है और यहाँ 8 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 8 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई इसको, कितना 4 × 1 = 2, मतलब कि यहाँ
चार का बस कुछ नहीं दो गुना है, तो हम क्या करेंगे a इज टू b में a इज टू b इक्वल टू 3:4, इसमें क्या करेंगे इंटू टू कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे b इज टू c इक्वल टू क्या 8:9 है। सो इसमें कुछ हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सो कि कितना होगा 3 सॉरी इसमें 2 करना है, इसमें करना है 2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो जाएगा 6:8:9 अब यह हो गया। तो जब कभी भी यहाँ b का वैल्यू सेम है सेम अदरवाइज क्या सेम या तो डिविजिबल होगा, यहाँ अगर 8 होता तो हम सिंप्लीफाई करके ऐसे कर सकते थे, तो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं, समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर दोस्तों हम अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमको दिया है 2a इक्वल्स टू 3b एंड 4b इक्वल्स टू 5c, तो हमको इधर वो a इज टू c का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसका 2a इक्वल्स टू 3b, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a क्रॉस इधर आ जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा, और ये 3/2 तो a इज टू b कितना हुआ a इज टू b इक्वल्स टू 3:2 एंड सेम 4b इक्वल्स टू 5c। सो हम क्या कर सकते हैं b/c इक्वल्स टू 5/4, तो इसका मतलब हो गया b:c इक्वल्स टू 5:4। तो हम पहले के जैसे किए थे उसी तरह कर सकते हैं a:b इक्वल्स टू 3:2 एंड b:c इक्वल्स टू 5:4। सो हमें इधर क्या आ रहा है b का दोनों का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसमें कितना इंटू 5 कर देंगे और इसमें 2 इंटू कर देंगे, तो हम लोगों का रेशियो आ जाएगा, तो कितना होगा 15 5 3 15 10 इधर आ गया 10 और 2 8 हो गया। हम बहुत इजीली ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने रेशियो का कुछ क्वेश्चंस किए, अभी हम प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले प्रोपोर्शन का हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। प्रोपोर्शन उसे कहते हैं दो इक्वल रेशियो को हम प्रोपोर्शन कहते हैं, जैसे कि a इज टू b प्रोपोर्शन c इज टू d, ये क्या होगा a/b इक्वल्स टू c/d, समझ में है, मतलब कि a और b का रेशियो c और d का रेशियो के साथ सेम है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे a इंटू d इक्वल्स टू b इंटू c होता है, मतलब कि क्या दोनों बाहर के पद और अंदर के दो पद का गुणा ही हम लोग इन दोनों का बाहर दोनों का पद का गुणा और अंदर का दो पद का गुणा हर वक्त इक्वल आता है, मतलब कि फर्स्ट सेकंड इक्वल्स टू थर्ड टर्म है फोर्थ, मतलब कि हम क्या फर्स्ट इंटू फोर्थ करेंगे और सेकंड इंटू थर्ड करेंगे, तो हम लोगों का दोनों का क्या इधर का भी और इधर का दोनों का इक्वल आना चाहिए, तभी जाके हम उसको प्रोपोर्शन कह सकते हैं। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट देखा, अब कुछ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ हमको पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 6, 9 एंड 12, मतलब कि हमको ये फोर्थ प्लेस का वैल्यू निकालना है, फोर्थ प्लेस का वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था 6:9 प्रोपोर्शन 12:4, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था बाहर का दो पद और अंदर का दो पद का गुणा हर वक्त इक्वल होता है, मतलब कि 6:4 इक्वल्स टू 9:12, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी फोर्थ निकालने के लिए इधर 6 को इधर मल्टीप्लाई हुआ है इधर
डिवाइड करेंगे उस ऐसे ना करके हम ये भी कर सकें, 6 1 6 6 2 12। अब फोर्थ प्लेस फोर्थ प्रोपोर्शनल का वैल्यू हम 9 2 18 इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखना है, बाहर का दो पद का गुणा इक्वल्स टू अंदर का मतलब कि मिडिल दो टर्म का गुणा इक्वल होता है। ठीक है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36। मतलब कि थर्ड इधर हमको थर्ड टर्म निकालना है। एक चीज याद रखना दोस्तों, इधर ये जो है 36 ये थर्ड टर्म भी होगा और दोनों मिडिल का दोनों मध्य पद दोनों यही 36 होगा। जैसे कि ये 16:36 प्रोपोर्शनल 36:3। थर्ड मतलब इधर हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि x लिख सकते हैं। ठीक है हम लोग x लिखेंगे, थर्ड इधर हम x लिखते हैं x। तो हमने क्या पढ़ा था, बाहर का दो और मध्यम का दो का गुणा इक्वल होता है। तो 16 x इक्वल्स टू 36 36। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 4 4 9 4 1 4 9। सो क्या हो गया, x इक्वल टू 9 9 81। सो x का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। मतलब कि 16 by 36 इक्वल टू 36 by 81, ये दोनों इक्वल आएंगे। दोस्तों और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, देखते हैं, मीन टर्म मध्यम पद निकालने के लिए बहुत टाइम क्या होता है, मध्यम पद निकालने के लिए कहता है। देखिए क्वेश्चन की तरह का, फाइंड द, देखते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू 4 and 9। मतलब कि 4 and 9 ये दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो हमको क्या करना है, जो मीन वैल्यू रहेगा हमको क्या करना है, कुछ नहीं, इन दोनों का गुणा करना है और उसका रूट ओवर निकालना है। जैसे कि अगर x का है तो क्या 4 into 9 उसका रूट कितना आएगा, 36 का रूट होता है 6। मतलब कि इन लोगों का मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा 6। देखते हैं ये होता कैसे है, 4 by x इक्वल्स टू x by 9। तो क्या होगा, सिंपली x² इक्वल्स टू 4 into 9। तो कितना आता है, x² इक्वल्स टू 36 एंड x इक्वल्स टू 36 का रूट। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, सॉरी x इक्वल्स टू 6 ही आएगा। ठीक है समझ में आया बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ रेशियो और प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए, और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब और कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।